नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। नसरुल्लागंज नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस द्वारा घर चलो घर घर चलो अभियान के तहत नसरुल्लागंज नगर के सभी वार्डों एवं ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार द्वारा अनेक उपलब्धियां आम जन को बताई। साथ ही कांग्रेस के नेता टिन्नी अग्रवाल द्वारा बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आपने अमेरिका से अच्छी सड़क तो मध्य प्रदेश में नहीं बनवाई, कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्र में ही बनवा देते। वहीं कांग्रेसियों द्वारा कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां बताई, मुख्य रूप से जैसे 100 रुपए 100 यूनिट बिजली देना, कन्या विवाह एवं निकाह योजना में 51,000 रुपए देना, वृद्धा पेंशन 600 रुपए योजना को बताया गया एवं शिवराज सरकार में नगर में प्रधानमंत्री आवास में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है जो कि आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी। नसरुल्लागंज से एमपी न्यूज कास्ट के लिए फिरोज खान की खास रिपोर्ट। अमेरिका से अच्छी सड़कें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, वो ये एक नंबर वार्ड नसरुल्लागंज का है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि लोगों के घरों के सामने दलदल मचा हुआ है, पानी भरा हुआ, नालियां चोक हो रही हैं। जो कि वार्डन सेज की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और ये स्थिति मुख्यमंत्री की विधानसभा की है, तो निश्चित ही मुख्यमंत्री जी केवल घोषणाएं कर रहे हैं, काम तो कल की दिख रहा है। अगर काम दिख रहा है तो ये दलदल के रूप में नसरुल्लागंज के अंदर दिख रहा है। ये सोचना पड़ेगा हम सबको और आम आदमी को कि मुख्यमंत्री जी अमेरिका से अच्छी सड़कें तो आपने नहीं बनाई, लेकिन ये दलदल को कम से कम हटा दें तो जिससे आम आदमी का जीवन सुधर जाए और मच्छरों से उसको निजात मिल सके। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी।